सो यू व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर ग्लिचिंग ट्यूब। आज जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे के बाद जो है हम लोग जो है माइनक्राफ्ट की वीडियो में वापस आ रहे हैं भाई। आज स्पेशली अपने अपने विला हमने जो बनाया था यहाँ पर हम कुछ करेंगे भाई। आज बेसिकली हमने सोचा ये नेदर पोर्टल बनाने का सोचा है, तो उसके लिए भाई नेदर पोर्टल के जो है ना हमें ऑब्सीडियन मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, तो उसके लिए हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल, गेट बंद कर देते हैं। और ये देख सकते हैं भाई फिलहाल सिर्फ ज़मीन शमीन कुछ नहीं बनाई है, ऊपर सिर्फ नॉर्मल बस ऐसे मैंने बना दिया। ये अपना है इसका नेम टैग वगैरह रखना है। अभी अपने जो हमारा विला है इसमें भी बहुत कुछ हमें काम करना है। ये कमरा विलेजर को दिया हुआ है, इसकी तो खैर हम छोड़ ही दें, तो विलेजर का कमरा है। ये थोड़ा किचन उचन है यहाँ पर, और खैर में ऑब्सीडियन मैंने शायद कहीं पड़े हुए देखे थे, तो हम वहाँ से फिर उठा लेते हैं। मेरे ख्याल में शायद मेरे अपने रूम में थे शायद। तो ये डब्बा डाले मुझे बड़ा कोई फर्क ही लग रहा है ये। इसके लिए यार मेरे पास पिकेक्स भी नीचे ही पड़ी हुई है शायद, हाँ पिकेक्स भी हमारे पास नीचे ही पड़ी हुई है इसको। तो भैया भाई ये हमारे नीचे पिकेक्स पड़ी हुई है, तो नीचे जल्दी देख लेते हैं भाई। शायद यहाँ डब्बे में है यस। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कुछ डायमंड शायमंड और आयरन पड़े हुए हैं, पिकेक्स में पड़ी हुई है। यहाँ पर एक ऑब्सीडियन हमारे पास था, तो हम थोड़े से हम ख़ुद भी बना सकते हैं ऐसी ऑब्सीडियन बनाना इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो खैर चलते हैं अपना ऊपर जहाँ से हम अपनी आयरन गोल्डन पिकैक्स उठा लेते हैं। मेरे ख्याल में गोल्डन नहीं है शायद, वो डायमंड है, तो खैर डायमंड पिकैक्स उठा लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ भी तकरीबन 10 ऑब्सीडियन पड़े हुए थे, तो मिला के 11 हो गए, लेकिन फिर भी हमें बनाना होगा। तो ये एक और ये बकेट ऑफ लावा उठा लेते हैं, कुछ तीर रख लेते हैं काम आएंगे, क्योंकि अभी ज़ॉम्बी शॉम्बीज हैं, एरोज भी पड़े हुए हैं, चलो ज़बरदस्त एरोज भी हैं, कोई मसले की बात नहीं है फिलहाल। जब तक रात हो जब तक कहीं अपना रात तो गुजारनी है, तो फ़िलहाल सो के आ जाते हैं, जब तक कोई मसले की बात नहीं है सुबह उठ के चलेंगे। बस रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के मैं विलेज के पास मैंने अपना विला बनाया हुआ है, तो वहाँ पर कहीं लावा मैंने पड़ा हुआ देखा था, तो वहाँ से हम लावा शावा उठा लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो चलते हैं सीधा सीधा वहीं पर ही, थोड़ा खाने का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको लेके चलने हैं, लेके चल लेते हैं कोई मसले की। आ जाओ साथ ले आओ यार इसको भी, ये भी क्या याद करेगा। तो भैया भाई यहाँ से निकलते हैं आगे समंदर के नीचे। मैंने खुद ये फ्रॉग लाइट लगा दी थी, बहुत ज़्यादा ही हमारे काम आने वाली है रात में, तो उसकी इतनी टेंशन लेनी है हमें भाई। यहाँ मैंने लेवर देखा था लावा, तो हमें बेसिकली हमें जो सबसे पहले बकेट ऑफ वाटर चाहिए होगी, जो कि हम लेके नहीं आए हैं, तो पहले मैं बकेट लेके आता हूँ। बकेट आ चुकी है भाइयों, अब मैं ले आया हूँ ऊपर से, तो सबसे पहले यहाँ से पानी भर लेते हैं, काम आएगा पानी, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हमारे, तो इन्वेंटरी में जाते हैं। हमारे बकेट आ गई है हमारे पास वाटर की, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा लावा था वहाँ से इसको हम थोड़ा सा जगह खाली करते हैं। तकरीबन सही है, इतना पानी काफ़ी है। उसके लिए पिकेक्स भी हमें लानी है, पिकेक्स हम ले के ही नहीं आए शिट। सबसे पहले हमें पिकेक्स ही लानी पड़ेगी, चलते हैं वापस। तो गाइस वाटर बकेट मैंने यहाँ पर जो है फेंक दिया है, बस मुझे कुछ भी करके जो है ना इस लावा को जो यहाँ से निकालना है, तो उसके लिए मैं अपनी गोल्डन पे अपनी डायमंड पिकैक्स को लेके आ गया था। तो सीधा कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ उसको से हटाना है, यहाँ से उसको हटाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पानी जो है हिलने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। एक हमारे पास फाइनली एक ऑब्सीडियन हमारे पास आ गया है, इस ऑब्सीडियन को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए और काम आने वाले हैं हमारे लिए बहुत। तो फिलहाल सबसे पहले उसके लिए हम अंदर आना पड़ेगा, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से सिंपली। और ये फाइनली हमारे पास दो ऑब्सीडियन आ गए हैं, तो सबसे पहले हम उस ऑब्सीडियन को हमें तोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम आएंगे ये। तो ऑब्सीडियन हमें तोड़ देते हैं पहले, एक ऑब्सीडियन मिल गया फाइनली। और ये ओ ये तो यहाँ पर नीचे सुरंग बनी हुई है, ओ शिट। इसको दूसरे वाले ऑब्सीडियन को भी हम उसी तरह तोड़ेंगे जिससे हमने पैरों को तोड़ा था, फिर चल के हमें जगह सोचनी है कि हमें कहाँ बनाना है। ये हमारे पास फाइनली 13 हमारे पास हो गए हैं, तो 13 मेरे ख्याल हमारे पास बहुत हैं, 13 के लिए हमारे 13 मेरे नज़र में 13 काफ़ी हैं। तो खैर सबसे पहले हम बना के चेक करते हैं,
कहाँ बनाए फिलहाल इस टीले के ऊपर बनाते हैं। टीला जो कहते पहाड़ सा निकला बना, इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल हम बनाएंगे इसको यहीं पर, लेकिन बाद में हम लोग ना जो है ना इसको चेंज कर देंगे हम लोग। ये जगह मेरे ख्याल में छोटी तो नहीं पड़ेगी इसके लिए। नहीं 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 तो कुबर स्टोन निकाल लेते हैं सबसे पहले। हाँ तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 4 हाँ यस परफेक्ट हो गया यहाँ पे। ये सब लेके भाई पूरा यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी, सब बन चुका है। और सबसे मेन चीज़ हमारी जो रहती है फ्लिंट एंड स्टील, वो भी हम अंदर से जाके ले आते हैं, उसका भी कोई मसले की इतनी बात नहीं है। हमारी चेस्ट में पड़ी हुई है, वो मैंने बना ली थी हरियाणा में, क्योंकि मुझे पता है ज़रूरत पड़नी है। शॉर्टकट निकालेंगे अपना। तो फ्लिंट एंड स्टील जो हमारी पड़ी हुई है ऊपर वाले फ्लोर में हमारे चेस्ट में, टेंशन नहीं लेंगे, ऊपर से जाके ले आएंगे, कोई मसले की इतनी बात नहीं है। फ्लिंट एंड स्टील हमारी कहाँ गई, ये पड़ी है फ्लिंट एंड स्टील। फिलहाल एरोज हम रख लेते हैं, कोई सा कोई काम नहीं है। फिलहाल हमारा आज का हमारा टास्क यही पूरा हो जाएगा कि हमें नेदर पोर्टल हमने बना लिया है। बाकी अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो पूरी ज़मीन को हम चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे घर को अपना और बेहतर से बेहतर बनाएं। और बाकी भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक या दो हफ्ते तक वीडियो मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है बन गया है नेदर पोर्टल, तो उसमें लगा लेते हैं हमें फायर। हम कुछ गलती कर रहे हैं जो इसमें आग नहीं लग रही, साइड्स कवर होंगे ना तो हमारा ब्लॉक खुद बखुद बन जाएगा। तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आ गया है, यहाँ पर यहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं क्या गलती की थी, हाँ इसके ऊपर एक बनाना है हमें। यस हाँ, एक इधर और पिकैक्स ले लेते हैं, पिकैक्स से बीच से तोड़ देते हैं इसको। 4-4 ब्लॉक्स उसमें हमें बोले हैं बनाने को। ये हमारा पे बन जाएगा हमारा आज का नेदर पोर्टल। काफ़ी खैर मुश्किल तो बस इतने मर्जी के बाद में तो मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, इस वजह से ना थोड़ी आदत नहीं है, लेकिन ये कौन सही हमारा है ना, देख लेना था। चलो हमें तंग करने आ गए। हाँ तो ऊपर चल लेते हैं भाई, सिंपली कोई मसले की बात नहीं। एक ये यस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। अब फ्लिंट एंड स्टील से आग लगाते हैं, बस दुआ करें बन जाए बस ये। यस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बन गया है नेदर पोर्टल। हम इसके अंदर जाएंगे काफ़ी, मतलब अगली एपिसोड में अंदर जाएंगे। फिलहाल जो हमारे बन गए ये हटा देते हैं, किसी काम के लिए कूबर स्टोन, किसी काम के लिए कूबर स्टोन को मेरे से हटा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं। हाँ कूबर स्टोन यहाँ से हट गया हमारा। तो ये बन गया हमारा नेदर पोर्टल। अब ये भाई इसकी साइड से एक ऑप्शीजन कम पड़े, हम यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, हाँ ताकि थोड़ा इसकी लुक अच्छी हो जाए, अजीब सी लुक ना है। लुक अच्छी करने के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। यस परफेक्ट बन गया। अब हो रही है फिलहाल तो रात, वो अंदर चलते हैं अपने इसको लेके। ये रात में ज़ॉम्बीज़ का टाइम है, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहा बिल्कुल। घर का दरवाज़ा खुला है हमारे। तो सिंपली गए आप लोग ये भी देख सकते हैं मेरे विला का जो है ना इलाका, इसमें अगर आप लोग मैं आपको दिखाऊं फिलहाल उसको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बनाया, भी अच्छा हम बनाएंगे इसको। मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ना जो है अपना ये जो मेरे हिस्से में यहाँ पर इतनी मैंने लाइटिंग लगा ली है, उसके बावजूद भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है, मॉब स्पॉन हो रहे हैं। ये बस मैंने ऐसी सस्ती सी बादशाह का लुक लाने के लिए जो मेरे पास कलेक्टिव ब्लॉक थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो ये नीचे विलेजर का हॉल है, दोनों सो रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ, इनसे ये ट्रेडिंग करेंगे। सोचो अपना विलेजर का नया हॉल बनाऊँ। बाकी ये हल्का सा छोटा सा टैच शब्द का बनाऊँ, ये पूरी विलेज जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था, और नया पोर्टल बनाना था जो कि हमने बना लिया। बाकी सामान जो पड़ा है अंदर रख देते हैं, बकेट शकेट अंदर कितने काम आएगी, बहुत ज़्यादा बकेट वकेट काम आएगी, इसको रख देते हैं। फ्लिंट एंड स्टील भी बड़े काम की है। बाकी हमारे पास डायमंड सॉर्ड पड़ी हुई है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। यस डायमंड सॉर्ड को इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी गोल्डन की इतनी डायमंड की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो ओ शिट,
जिस बात का मुझे डर था वही बात हुआ। खैर कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ये मुझे छत भी कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका। छत भी मैं कुछ लाइटिंग शाइटिंग लगाऊंगा क्योंकि जो है ना बहुत नुकसान हुआ है। तो खैर गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह माइनक्राफ्ट की जाती रहेंगी वीडियोस, और कमेंट में बताना कि मुझे जो अंधेरे का ये हल क्या है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, देखिए देखते रहिए ग्लिचिंग ट्यूब। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।